अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैमर आइकन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हंसी खुशी अपनी लाइफ को गुजार रहे होंगे। मेरी दुआ है जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें, आमीन। इस छोटी सी मगर खूबसूरत दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ शरारा के बहुत खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइंस, कि आप किस किस शर्ट के साथ, शॉर्ट फ्रॉक के साथ, लॉन्ग फ्रॉक के साथ, या कैसे कैसे आप शरारे को बना सकती हैं, शरारे को डिज़ाइन कैसे कर सकती हैं, उसकी शर्ट को, उसकी कुर्ती को कैसे डिज़ाइन कर सकती हैं, ये सारे आइडियाज़ देखने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप लास्ट तक कोई भी आइडिया मिस ना कर सके। इसमें कुछ शरारास और शर्ट जो हैं वो कैजुअल हैं, कुछ जो हैं वो फैंसी हैं शादी ब्याह के फंक्शन के लिए, या वैसे पार्टी वेयर अगर आप कहीं फंक्शन पे जाते हैं तो उसके लिए हैं। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आता है आप उस डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट लेके टेके अपनी टेलर से इजीली सिलाई करवा सकते हैं। बहुत माशाल्लाह खूबसूरत डिज़ाइंस हैं। शरारा एक ऐसा ड्रेस है जो पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ज़्यादा खुला सिलाई कर लिया जाए तो ये एक लहंगे की मानिंद लगता है। पहचानने वाला पहचान नहीं सकता कि ये शरारा है या फिर लहंगा है। और शरारे की एक ख़ास बात यह है कि शरारे के ऊपर शॉर्ट शर्ट या शॉर्ट फ्रॉक ज़्यादा पहनी जाती है, तो शॉर्ट फ्रॉक पहनने से वो गर्ल्स जिनकी हाइट थोड़ी नॉर्मल है उनकी हाइट नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा लगने लग जाती है, और वो थोड़ी सी हाइट लगने लग जाती हैं और वो बहुत खूबसूरत और अच्छी लगने लग जाती हैं। दूसरी इसकी ख़ास बात यह है कि ये पहना हुआ सबको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा हसीन लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि कोई भी न्यू फैशन या ट्रेंड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको बरवक्त और बआसानी मिल सके। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी न्यू और अच्छे ट्रेंड और लेटेस्ट फैशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।